भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री से पत्रकारों से बात कर मीटिंग के संबंध में जानकारी दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि आज सर्वदलीय बैठक में मौजूद सभी दलों की राय मराठा समुदाय को आरक्षण देने पर थी। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि मैं मनोज जरांगे पाटिल से अनुरोध करता हूं कि सरकार के प्रयासों पर भरोसा रखे। यह विरोध एक नई दिशा लेने लगा है। आम लोगों को असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए। मैं सभी से शांति बनाए रखने और राज्य सरकार के साथ सहयोग करने का अनुरोध करता हूँ। मराठा समुदाय को आरक्षण देने को लेकर सभी एकमत है। इसके कानूनी पहलुओं को पूरा करने के बाद ही स्थायी आरक्षण दिया जा सकता है और राज्य में सभी दल इस संबंध में मिलकर काम करने को तैयार है। जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जाएगी, हालांकि उसे आवश्यक समय देना आवश्यक है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, राज्य में जो हिंसा की घटनाएं हुई है और जो हो रही है वे अनुचित है और इससे आंदोलन की बदनामी हो रही है। हम इन घटनाओं को दृढ़ता से अस्वीकार करते हैं। अपील की जा रही है कि राज्य में कोई भी कानून को हाथ में ना ले, राज्य में शांति और कानून व्यवस्था कायम रहे। मनोज जरांगे पाटिल से भी अनुरोध है कि वे सहयोग करें और अपना अनशन वापस ले। भंडारा शहर के BTP मार्केट में किसानों और व्यापारियों के साथ हो रहे अन्याय के विरोध में किसानों और व्यापारियों ने भंडारा पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी के पास न्याय की गुहार लगाई थी और निवेदन दिया था, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी ने जांच शुरू कर दी थी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उस निवेदन में कुछ नगर परिषद, कुछ कलेक्टर ऑफिस के मुद्दे उस निवेदन में थे, इसलिए हमने चौकशी की और POW को दिया है और POW की जांच में कुछ गलत व्यवहार भी दिखाई दे रहा है, लेकिन पूरी रिपोर्ट आना बाकी है। जब पूरी रिपोर्ट आएगी तब हम जिलाधिकारी के पास सौंपेंगे और उपयुक्त कार्रवाई करेंगे। साथ ही नगर परिषद को भी यह रिपोर्ट सौंपेंगे ताकि वह भी कार्रवाई कर सके। सर क्या बताएंगे, BTP को लेकर एक निवेदन आपको दिया गया था, उसमें कुछ आपकी जांच शुरू थी, तो किस प्रकार से BTP मार्केट को लेकर जो निवेदन कुछ लोगों ने दिया था उससे संबंध में कुछ नगर पालिका के विषय थे, कुछ कलेक्टर ऑफिस के विषय थे और कुछ गुने से संबंधित विषय भी उस निवेदन में थे, इसलिए उसका मैंने चौकसी EOW को दिया है और EOW ने से मैंने डिस्कशन भी किया और डिस्कशन में उनकी जो फाइंडिंग्स है वो फाइंडिंग्स को देख के ऐसा लगता है कि उसमें क्या कहते हैं कुछ उसमें कुछ गलत व्यवहार भी है, इन्वॉल्व है, लेकिन अभी पूरी रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है। जब रिपोर्ट पूरी खत्म हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी, तो उस पर हम लोग उपयुक्त कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और उसमें उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए वो रिपोर्ट की जो फाइंडिंग है हम लोग कलेक्टर साहब को भी फॉरवर्ड करेंगे ताकि नगर पालिका की तरफ से भी उस पर कार्रवाई हो सके। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जो हमने जांच की उसमें पार्किंग के पैसे भी लिए जाते हैं, कुछ बाकी व्यापारियों से भी लिए जाते हैं। यह सब रिपोर्ट आई है, हम इसकी रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी को सौंपेंगे ताकि BTP पर सख्त कार्रवाई की जा सके। सर अभी भी वहाँ पर किसानों और व्यापारियों का शोषण हो रहा है, बड़े पैमाने पे वसूली की जा रही है, क्या ये बंद हो पाएगी? उसमें जो हमने इंक्वायरी की है, जो मैंने अभी इंक्वायरी रिपोर्ट को अभी सबमिट नहीं हुई है, लेकिन मैंने जो उसमें फाइंडिंग्स को पढ़ा है तो उसमें क्या कहते हैं पार्किंग के रिलेटेड पैसे लिए जाते हैं, कुछ बाकी व्यापारियों से लिए जाते हैं और ये सब फाइंडिंग्स उसमें आई है, लेकिन क्या है कि ये उनका जो आपस में जो एग्रीमेंट हुआ था नगर पालिका के साथ उसके विषय में कुछ डाइवर्जेंस है, उसमें कुछ गलत चीजें भी हैं, वो सब उसमें आई है, तो वो सारी चीजों का हम लोग रिपोर्ट बनाकर हम लोग कलेक्टर ऑफिस और नगर पालिका को सबमिट करेंगे ताकि वो लोग उस पर एक्शन ले सकें।
आधी रात के दौरान शिकार की खोज में जंगल से भटक कर खेत क्षेत्र में पहुंचे तेंदुए ने खेत के तबेले में बंधी गाय पर हमला बोल दिया। इस हमले में गाय की मृत्यु हुई है। उक्त घटना 30 अक्टूबर को बीच रात के दौरान तहसील खैरीपट गांव के खेत क्षेत्र में घटी हुई है। इस घटना में स्थानीय खैरीपट निवासी किसान तुकाराम फुंडे नामक पीड़ित पशुपालक के लगभग 15,000 रुपयों का नुकसान हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खेती से पूरक व्यवसाय के रूप में तहसील के अधिकांश किसान मवेशी पालन का व्यवसाय करते हैं। हालांकि घटना के पीड़ित किसान ने भी मवेशी पालन के तहत एक गाय का पालन कर रहा था, जिसके तहत पीड़ित किसान ने नजदीकी मालिक की खेती में एक तबेले का निर्माण किया है। हालांकि घटना के दिन पीड़ित किसान ने शाम के दौरान मालिक की खेती के तबेले में गाय बांधकर घर गया था। इसी बीच रात के दौरान शिकार की खोज में जंगल से भटके तेंदुए ने खेत क्षेत्र के तबेले में बंधी गाय पर हमला बोल दिया। इस हमले में गाय की मृत्यु हो गई। हालांकि अगले दिन सुबह के दौरान रोजाना की तरह खेत क्षेत्र के तबेले में पहुंचे पीड़ित किसान को गाय मृत अवस्था में नजर आई। इस दौरान पीड़ित किसान ने वन्य प्राणी तेंदुए के हमले में गाय की मृत्यु होने का संदेह व्यक्त कर घटना की जानकारी लाखांदूर वन विभाग को दी। इस जानकारी के आधार पर वन परिक्षेत्र अधिकारी रुपेश काविद के मार्गदर्शन में वन रक्षक डीजी हत्ते ने घटनास्थल पहुंचकर पंचनामा किया। इस घटना में पीड़ित किसान ने सरकार के वन विभाग से मुआवजे की मांग की है। भंडारा जिले के मोहाड़ी तालुका के वड़े गांव में अजगर सांप पाया गया। सांप को देखकर नागरिकों में दहशत फैल गई। कुछ ही देर में गांव के कुछ युवकों ने बहादुरी दिखाते हुए सांप को पकड़ लिया। 10 फुट के अजगर को देखने के लिए नागरिकों की भीड़ उमड़ पड़ी। अजगर को उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया। भंडारा जिले के अलग अलग अवैध शराब अड्डों पर पुलिस ने कार्रवाई कर कुल 5,13,500 रुपए का माल जब्त किया है। इन कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी पर मामले दर्ज किए हैं। जवाहरनगर पुलिस थाने के तहत पेट्रोल पंप थाना ग्राम में लता प्रवीण चौरे उम्र 46 वर्ष को अवैध तरीके से शराब की बिक्री करते हुए पकड़ा। महिला के पास से कुल 10 लीटर महुआ शराब जब्त की। इसी तरह जीतू उर्फ जितेंद्र रणबीर मेश्राम उम्र 40 वर्ष द्वारा चलाए जा रहे अवैध शराब बनाने के अड्डे पर कार्रवाई कर कुल 3,17,500 रुपए का माल जब्त किया। इसी तरह मकर ढोकरा में चल रहे शराब अड्डे पर पुलिस ने कार्रवाई कर गणेश मारुति जगनाडे उम्र 40 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया। जगनाडे के पास से 1,04,000 रुपए की सामग्री जब्त की। पुलिस ने मकर ढोकरा ग्राम के ही रमन शालिक भूरे उम्र 32 वर्ष के खिलाफ कार्रवाई कर उसके पास से शराब बनाने की कुल 92,000 रुपए की सामग्री जब्त की। कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, उपविभागीय पुलिस अधिकारी डॉक्टर अशोक बागुल के मार्गदर्शन में जवाहरनगर के सहायक पुलिस निरीक्षक सुधीर बोरकुटे, पुलिस उप निरीक्षक मंगेश करांडे, पुलिस हवालदार गिरीश बोरकर, निर्वाण टेम्बो ने, पुलिस नायक बोंद्रे, पुलिस सिपाही सेलोकर हाके आदि ने की है। गोंदिया जिला तालाबों के जिले के रूप में जाना जाता है। फिलहाल ठंड बढ़ने के कारण यहाँ प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू हो गया है। इससे पक्षी प्रेमियों का उत्साह और तालाबों की खूबसूरती बढ़ गई है। ये पक्षी अनुकूल वातावरण और वांछित भोजन की उपलब्धता को ध्यान में रखकर यात्रा करते हैं। विदेशी पक्षी नवेगांव बांध, नागजीरा, चुलबन परियोजना, पुजारी टोला, बाजार टोला, परसवाड़ा, झिलमिली, आमगांव के नौताला, महादेव पहाड़ी क्षेत्र, जालिया तालाब और अंजोरा तालाब में रुकते हैं। पिछले कुछ दिनों विदेशी पक्षियों की शिकार हो रही है। इस पर वन विभाग एवं वन्य जीव विभाग द्वारा ठोस उपाय एवं प्रयास किए जाने चाहिए। गोंदिया जिले की अग्निशामक व्यवस्था। गोंदिया शहर में अगर कहीं आग लग जाए या कोई अप्रिय घटना हो जाए तो हमेशा जान जोखिम में डालकर काम करने वाले फायरमैन पिछले 4 महीने से बिना वेतन के काम कर रहे हैं। उन्हें 4 महीने से वेतन नहीं मिलने से उन्होंने नगर परिषद को पत्र दिया है कि गोंदिया के अग्निशामक विभाग के 44 कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे और अपने परिवार के साथ नगर परिषद के सामने धरना देंगे। आमचा 4 महिन्यापासून पेमेंटचा विषय होता, त्याविषयी आम्ही अधिकारी आमचे जे नीरज काळे आहेत त्यांच्याविषयी आम्ही बोललो होतो, तर त्यांनी आमचे समाधान काही उत्तर काही दिले नाही। तर आम्ही मग पेमेंट बॅलन्स होतं, मग आम्ही आमचे जे कर्मचारी आहेत त्यांच्या थ्रू
आम्ही सामूहिक सुट्टीचा जाण्याचा प्रश्न पडला म्हणून आम्ही ते लेटर देऊन मुख्य अधिकारीला लेटर दिला की आम्ही याच्या अगोदर कंप्लेंट केला होती ह्या विषयावर आणि अदर विषय भी कंप्लेंट केला, ते एकच उत्तर देतात की तुम्ही आमची कर्मचारी नाही, तर मग त्या विषयावर त्यांच्याकडे आम्ही जातच नाही। आम्ही एक तारखेपासून काम बंद आंदोलन करणार आहे, जेव्हापर्यंत आमची ट्रीटमेंट कंप्लीट होत नाही म्हणजे ती देत नाही तेव्हापर्यंत सगळेच कर्मचारी सुट्टीवर राहणार आहेत। आमचे कर्मचारी पेमेंट झाले नाही आणि सणासवारचे दिवस आले आहेत जवळ आणि जवळ आले आहेत आणि 10 दिवस नंतर दिवाळीच आहे, आतापर्यंत यांचा पेमेंटचं काही अतापता आहे नाही, तर आम्ही काय करणार? आमचा प्रश्न तो पडला की जेव्हा जवळ आलेले दिवाळी आतापर्यंत यांनी पेमेंट केला नाही, सामूहिक सुट्टीवर जाणार आणि पूर्ण जे आमचे परिवार आहे ते नगर परिषदेच्या समोर आम्ही आंदोलन करणार। काही घटना घडली गोंदियामध्ये याची जबाबदारी मुख्य अधिकारी राहणार आणि आमचे जे अधिकारी आहेत फायरचे ते राहतील, 44 कर्मचारी आहेत कंत्राटी। लाखांदू तहसील के बोतली स्थानीय संजय रामचंद्र ढोरे के खेती के 4 एकड़ धान का ढेर अज्ञातों ने चलाने की घटना 30 अक्टूबर 2023 को रात के दौरान हुई। इस घटना में पीड़ित किसान का तकरीबन 2 लाख रुपयों का आर्थिक नुकसान हुआ है। बोतली निवासी रामचंद्र ढोरे ने अपने 4 एकड़ खेती में इस वर्ष खरीफ मौसम में धान फसल की रोपाई की थी। अब धान फसल संपूर्ण परिपक्व होने के बाद कुछ दिन पूर्व धान की कटाई की व खेत में ही धान का ढेर तैयार करके रखा। दिवाली के पूर्व धान की चुराई करने की तैयारी कर रहे संजय ढोरे पर धान का ढेर जलने के कारण फिर एक बार आर्थिक संकट आ गया है। राजस्व विभाग ने तत्काल ध्यान देकर पीड़ित किसान को आर्थिक मदद दे ऐसी मांग की जा रही है। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल पुणे ने हाल ही में एक परिपत्र के तहत बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्रों को सूचित किया है कि विज्ञान के विषय भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और गणित के पर्चों में बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर लिखते समय सही उत्तर का क्रमांक अ ब क ड लिखना काफी नहीं होगा, बल्कि अब उत्तर क्रमांक के साथ उत्तर लिखना भी अनिवार्य कर दिया है। सिर्फ उत्तर क्रमांक या बगैर क्रमांक के सिर्फ विकल्प भी लिखा है तो जवाब गलत माना जाएगा। अब उत्तर क्रमांक के साथ विकल्प का लिखा होना अनिवार्य है। यह परिपत्र 26 अक्टूबर को निर्गमित किया गया है। ज्ञात हो कि 10वीं की परीक्षा में गणित विषय में 16 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, वही विज्ञान के बाकी तीनों विषयों में प्रति विषय 70 में से 10 अंक होते हैं। मंडल ने यह भी सूचित किया है कि कोई भी उत्तर 2 बार लिखा हो तो पहले लिखा हुआ उत्तर मान्य होगा। सूचनाओं में किए इस बदलाव से शिक्षक, छात्र एवं अभिभावकों को परिचित कराए ऐसे आदेश परीक्षा मंडल ने दिए हैं। गोंदिया तहसील के बिरसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 1 दिसंबर से विमान सेवा शुरू किए जाने की पुष्टि हो गई है। गोंदिया से सबसे पहले हैदराबाद के लिए फ्लाइट उड़ान भरेगी, इसके लिए तत्काल टिकट बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। बता दें कि जब बिरसी से विमान सेवा शुरू हुई थी तब जिले के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था, किंतु कुछ ही महीने में फ्लाई बिग कंपनी की कमजोर व्यवस्थाओं के चलते हाथ से वह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। प्रफुल्ल पटेल ने इसे गंभीरता से लिए और कई विमान कंपनियों से संपर्क किया, जिस के चलते इंडिगो ने अपनी सहमति दर्शाई और अब 1 दिसंबर से विमान सेवा शुरू होने वाली है। इधर इंडिगो कंपनी ने भी बिरसी विमानतल से विमान सेवा शुरू करने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। इंडिगो कंपनी द्वारा विमान सेवाओं के शुभारंभ के लिए 1 दिसंबर की तिथि घोषित कर दी गई है, इसके लिए तत्काल टिकट बुकिंग भी शुरू हो गई है। गोंदिया से सबसे पहले हैदराबाद के लिए विमान सेवा शुरू होगी, साथ ही एक एक करके अन्य विमान सेवाएं भी शुरू होगी। सभी विमान सेवाएं समारोह पूर्वक शुरू की जाएगी और इंडिगो जैसी प्रतिष्ठित विमानन कंपनी द्वारा अब गोंदिया में कर्मचारियों की भर्ती के लिए आवेदन भी आमंत्रित किए जा रहे हैं। इससे गोंदिया जिले में नागरिकों में हर्ष दिखाई दे रहा है।
भंडारा जिल्ह्याच्या तुमसर शहरातील पॉश कॉलनी असलेल्या दुर्गा कॉलनीत मागील 10 दिवसात एका पिसाळलेल्या माकडाने परिसरातील 15 जणांना जखमी केले. 3 जणांना गंभीर जखमी केल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले तर एकाला नागपूर येथे रेफर करण्यात आले. दिवसेंदिवस माकडाचा हौदोस वाढत आहे. जंगल शेतशिवार सोडून माकड आता मानवी वस्तीकडे येऊन उच्छांद मांडत आहे. तर भंडारा जिल्ह्याच्या तुमसर शहरात देखील एका पिसाळलेल्या माकडाने हौदोस केला असून 15 लोकांना जखमी केलं आहे. काही दिवसांपूर्वी माकडांचा कळप दुर्गानगर परिसरात आले होते. माकडांच्या कळपाने उच्छांद मांडला होता, त्यामुळे नागरिकांनी त्रस्त होऊन माकडांना हलवून लावले. पण त्या कळपातील एक माकड राहिला. हा माकड आपल्या कळपाने वेगळा झाल्याने त्यांनी शहरात येणाऱ्या जाणाऱ्या लोकांवर हल्ला करायला सुरुवात केली. दुर्गानगर येथील 15 नागरिकांवर त्याने हल्ला केला. काही लोकांना स्थानीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले असून एका व्यक्तीला जास्तीचा चावा घेतल्याने त्याला नागपूर येथे हलविण्यात आले आहे. माकडाची दहशत इतकी होती की घराबाहेर निघायला नागरिकांना भीती वाटत होती. याची माहिती वन विभागाला देण्यात आली असताना 2 दिवसांपासून वन विभागाची टीम माकडाला जेरबंद करण्यासाठी शहरात फिरत होते. अखेर 2 दिवसांच्या प्रयत्नानंतर माकडाला जेरबंद करण्यात वन विभागाला यश आले, त्यामुळे नागरिकांनी सुटकेचा निश्वास घेतला. माझं नाव पंकज हासिलाल रांगडाले. माझ्या घर आहे अग्रेसर गोंचा सामने श्रीरामनगर. रविवारी परवाच्या दिवशी आमचं घर साफसफाई करत होते तो माझी आई फुलनबाई रांगडाले यांना कपडे वाळायला जात होते तो त्यांना अटॅक केला त्यानं आणि ते परत आले आणि त्यांना नाखून काढला आणि त्याला असा चिरा मारला आणि डीपमध्ये केला आहे. तिला 3 टाके लागले आहे. इंजेक्शन वगैरे दिल्यावर रुग्णालयामध्ये गेलं होतं आम्ही गव्हर्मेंट हॉस्पिटलमध्ये आणि मनाला बी अटॅक केला. मी वाचलो, मला बी अटॅक केला होता आणि घरात तक घर तक आला होता तो घरच्या दरवाजापर्यंत आला होता सीडीनं आणि आम्ही दिवसभर दरवाजा बंद केला होता ना. माझे मुले बाहेर जात होते ना आम्ही आणि धाक बसली होती आम्हाला आम्ही जाते नव्हतो. विनोद पडोळे आहे आणि तो दुर्गा कॉलनी श्रीरामनगर इथे त्या बंदरांनी त्याला धुमाकूळ मचवला होता आणि तो 15 ते 20 दिवसापासून खूपच त्रास देत होता लोकांना आणि खूप लोकांना चावला आणि गाडी पण दाखवली की तो पकडायचा मारायचा धावायचा सगळ्या लोकांच्या आणि गाड्या पण पाळायचा. लहान लहान मुलांना माणसांना बायांना सगळ्यांना त्यांनी चावला आहे आणि मी सकाळपासून कामंसुद्धा केलेले नाही आहे त्याच्या कारणाने कालपासूनची वन विभागाची टीम आलेली होती आणि अखेर ते पकडण्यात सक्सेस झाले. बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात. हर जुर्म से हम आपको कराएंगे औकत. आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात. रामनगर थाने के तहत कुडवा स्थित आयुष्मान अस्पताल के सामने रखी मोटरसाइकिल अज्ञात व्यक्ति ने चुरा लिया. फिरियादी की शिकायत पर रामनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. रामनगर थाने के तहत ग्राम कटंगी के गेटवे होटल के पास 85 वर्षीय अज्ञात वृद्ध व्यक्ति बेहोशी की हालत में मिला. उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया जहां उसे जांच के बाद मृत घोषित किया गया. खर्रा क्यों नहीं दिया, इस पर हुए विवाद में लोहे का कड़ा सर पर मारकर जख्मी करने की घटना 29 अक्टूबर को घटित हुई. जख्मी का नाम महेश धोके उम्र 31 वर्ष है. शिकायत के आधार पर पालंदो थाने में मामला दर्ज किया है. साईनाथ नगर निवासी अजय मोहतुरे के घर पर किराए से रहने वाले पुलिस भर्ती प्रशिक्षण ले रहे छात्र पर अज्ञात आरोपी ने हमला किया. जख्मी छात्र का नाम सुजल सुनल राणे उम्र 18 वर्ष है. भंडारा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है. तिरोडा वन क्षेत्र अंतर्गत पेंगोलिन की शिकार करने वाले 3 शिकारियों को तिरोडा वन विभाग के कर्मचारियों ने मांस सहित गिरफ्तार कर लिया. तीनों शिकारियों के खिलाफ तिरोडा परिक्षेत्र में मामला दर्ज किया गया है. रामनगर थाने के तहत संताजी नगर जानकी देवी चौरागढ़ स्कूल के पास रिंग रोड निवासी कल्याण कुमार युवराज टहाट उम्र 43 वर्ष के घर से अज्ञात व्यक्ति ने घर के पीछे का दरवाजा तोड़कर 7,700 रुपए चुरा लिया. शिकायत पर रामनगर पुलिस ने मामला दर्ज किया है.
सड़क अजूनी तहसील के खोबा निवासी किशोर रामटेके की पान की दुकान से देशी शराब की 10 बोतलें जब्त की गई। इस प्रकरण में आरोपी के खिलाफ महाराष्ट्र शराबबंदी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।